और कहीं कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के दौरान बाराबंकी जिले की सुमन देवी का जिक्र किया, जो खादी मास्क बनाकर स्वदेशी की मुहिम से जुड़ी हुई है। वो हसनगंज स्थित माँ वैष्णो देवी स्वयं सहायता समूह चला रही है। आपको बता दें कि सुमन वर्मा के साथ गांव की कई महिलाओं ने इस कोरोना काल में गांव के बुजुर्ग, बच्चे, मनरेगा मजदूर और बाहर से लौटे प्रवासियों के लिए निःशुल्क खादी मास्क बनाकर वितरित किए, जिसकी प्रधानमंत्री ने सराहना की और कहा कि देश की तमाम महिलाएं इस कोरोना संकट के समय हजारों खादी के मास्क बनाकर स्वदेशी की मुहिम से जुड़ी हैं। नमस्कार, आज हम सब के लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है, क्योंकि आज एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में हमारे जनपद बाराबंकी के एक छोटे से ग्राम की, हसनपुर ग्राम जो त्रिवेदीगंज ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ की एक महिला श्रीमती सुमन देवी के साहस और के उत्साह और की लगन के बारे में आज जिक्र किया है। श्रीमती सुमन देवी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। इस समूह को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की धनराशि स्थानांतरित की गई थी और इन्होंने इस महिला स्वयं सहायता समूह की साहसी महिला का जिक्र किया है। वाकई हम सब के लिए पुनः एक बार बहुत गर्व और हर्ष का विषय है। हम सब जनपदवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। आज आपको पता है कि पीएम ने आपकी तारीफ की है सर, हमें आप ही लोगों से पता चला है। आप ये खादी मास्क क्यों और कब से बना रही हैं? ये जब ही कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, बाहर कहीं जा नहीं सकते थे ना, तभी वो टीवी में और पेपर में जब हमने देखा तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी कुछ मदद करें। तब हमने हमारे घर में कपड़ा रखा था खादी का, गोदरी बनाने के लिए, उसी का हमने काट के और बहनों को बुला के मीटिंग के उन्हीं लोग की मदद से सिल के, ऐसे जो हमारे यहाँ नरेगा वाले थे, बच्चे थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, बहनों को हमने